हिट एंड रन एक्ट के खिलाफ हिंगनघाट में ट्रक चालकों और मालिकों ने शहर के नांदगांव चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और एक्ट को रद्द करने की मांग की। केंद्र सरकार ने वाहन चालकों के खिलाफ नया हिट एंड रन कानून लागू किया है। इस कानून के खिलाफ आज 2 जनवरी को हिंगनघाट शहर के नांदगांव चौक पर वाहन चालकों और मालिकों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ यह कायदा रद्द करने की मांग की गई। ट्रक ड्राइवर्स ओनर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में ड्राइवर और मालिकों ने एकजुट होकर हिट एंड रन एक्ट के खिलाफ नारे लगाए और एक्ट रद्द करने की मांग की। इस वक्त अनुमंडल पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपते हुए बड़ी संख्या में शहर के ट्रक ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारी, मालिक एवं चालक शामिल थे। हमारे जो देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी, उन्होंने जो नियम लाया है कि एक्सीडेंट होने के बाद में जो ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद में अगर अगले वाले पार्टी को उठाकर दवाखाना लेके जाता नहीं है तो उसको 10 साल की सजा होगी और 7 लाख जुर्माना होगा। ये कानून हमारे को मान्य नहीं है, ये काला कानून है। इसके विरोध में हिंगनघाट के सभी ड्राइवरों ने हिंगनघाट शहर में सभी जो गाड़ियां है जो ट्रक है आज बंद है क्या? आज हमने हड़ताल कल रात से 9 बजे से शुरू की है और आज हम दिन भर हड़ताल करेंगे। कल हम मोर्चा देंगे, कल SDO ऑफिस में एक मोर्चा देंगे और एक निवेदन देंगे कि ये काला कानून हमको लागू नहीं है, क्योंकि ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है और उसके हाथ से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको पुलिस स्टेशन में जमा होना जरूरी है। अगर वो अति आवश्यक सेवा है जो सब्जी है, दूध है या पेट्रोल है, ये सेवाएं भी आप ठप्प करने वाली है? हम ठप्प नहीं करेंगे, हमारे सिर्फ ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं, ड्राइवर और मालक। इसके अंदर में ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ दिया है क्योंकि ड्राइवर को ये डर है कि भाई मैं 10 साल के लिए अंदर चले जाऊँ, 7 लाख जुर्माना कहाँ से भरूंगा। ये जो अमित शाह जी ने कानून लागू किए हैं, ये कानून के विरोध में ये हमारा अभियान चल रहा है। दूसरी बात, एकूणच हिंगनघाट शहरा जे आहे ड्रायव्हर चालक जे आहे संपावर गेलेले आहे। जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत संप निरंतर सुरू राहणार। आजपासून हिंगनघाट शहरात सुद्धा ड्रायव्हर चालकांचा संप पुकारलेला आहे। ड्रायव्हर चालक मालक आणि सगळे संघटनाकडून संप पुकारण्यात आला आहे। हिंगनघाट शहरात जे आपण नांदगाव चौकात आहोत, हिंगनघाट शहरात सुद्धा संप पुकारण्यात आला आहे। वाहने आहे रस्त्यावर थांबलेले आहे, आपण त्याच्याकडे हिंगनघाट में कितनी गाड़ियाँ होगी और ये सब कितना निरंतर आगे चलेगा? हिंगनघाट में करीबन 400 गाड़ियाँ है और 400 गाड़ियाँ पूरे ड्राइवर नहीं है, पूरे ड्राइवर स्ट्राइक के ऊपर है। जब तक कानून वापस नहीं होता जब तक कोई ड्राइवर गाड़ी चलाने को तैयार नहीं है। आपके साथ में ट्रैवल्स एसोसिएशन या स्कूल बस एसोसिएशन, ये भी आप बंद करने वाले? हाँ, वो भी आ ही रहे हैं, उन्होंने भी कॉम्प्लेन बनाए हैं, अलग अलग सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। एकूणच हिंगनघाट शहरात जेव्हा आपण पाहता नांदगाव चौकात ड्रायव्हर असोसिएशन असो किंवा शाळेच्या गाड्या असतात त्या सुद्धा संपात सामील होईल अशी प्रतिक्रिया हिंगनघाट शहरातील ड्रायव्हर असोसिएशनचे जे मालक आहे किंवा पदाधिकारी आहे त्यांच्याकडून घ्यायला आली आहे। हिंगनघाट शहरात हिट अँड रन कायद्याच्या विरोधात ड्रायव्हर चालक संघटनेकडून संप पुकारण्यात आला आहे। आपण हिंगनघाट शहरातील नांदगाव चौकात आहोत, नांदगाव चौकात ड्रायव्हर असोसिएशनचे अनेक जे पदाधिकारी आहेत किंवा ड्रायव्हर लोक आहेत किंवा जे या सगळे दफ्ते आहेत त्यांच्याकडून आपण प्रतिक्रिया आलो। मुझे बताइए हमारा यही विचार है कि काला कानून वापस लिया जाए और यदि कहीं दुर्घटना होती है ड्राइवर बचाने के लिए जाता है तो पब्लिक उसको मारने की मारती है। इसका हमारे सुरक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं है, इसलिए हमको ये कानून मानने नहीं है। जब तक के कानून पीछे नहीं लिया जाएगा ये संप ऐसी जारी रहेगा। और शहर में आज कितनी गाड़ियाँ जो है बंद हो गई? कम से कम 400 गाड़ी है। अब कुल मिला के जो अति आवश्यक सेवाएं हैं जैसा दवा हुआ, सब्जी हुआ या पेट्रोल हुआ, ये सेवाएं आप ठप रखने वाले हैं? हम कुछ भी ठप रखने वाले नहीं है, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि ड्राइवर लोगों को कि तुम अपनी सुरक्षा के लिए हमारा साथ दो, बाकी हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई बात करना नहीं। रोड से जाने वाली गाड़ियां है या जा रही है उसको आप रोकेंगे? हम सिर्फ जो प्राइवेट वाहन है हम उनको सिर्फ इंटीमेशन दे रहे हैं कि देखो ये कानून है और इसको हमको रद्द करना है, आगे आपकी क्या मर्जी है आप उसका निर्णय लो। एकूणच आपण इथं बोललो आहोत, याच्याशी आपण संवाद करत आहोत किंवा जे कायदा जो बनवला आहे त्याच्या विरोधात आहे, पण तो कायदा तोपर्यंत सुधारणार नाही असा संप सुरू राहणार अशी प्रतिक्रिया दिली। NBC News के लिए हिंगनघाट से रवी एनोरकर की रिपोर्ट।